आपका बिल? ये बिल है? इतना ज्यादा बिल? ये तो बिल नहीं, मतलब ये कैसा बिल है? हाँ देखो, हमने इतना सब कुछ ऑर्डर नहीं किया था। मैम आप ही का ऑर्डर है, ते जाने दो ना, हूँ ना मैं भर दूंगा। ऐसे कैसे भर दीजिएगा? हाँ खाएंगा कोई और आप भरोगे? चलो गाइस चलो जल्दी दौड़ो, वहीं मेरे पास पैसे, डोंट वरी। ये कौन है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर जगो सर, आप यहाँ पर, वो भी आपकी वाइफ के साथ? ऑफ कोर्स सर, एक्चुअली हम इस होटल में थे और हमने काफी ज्यादा फूड एंजॉय किया और हम उसी का बिल पे करने के लिए आए हैं। देखा टे? ओह सॉरी सॉरी, तो आप लोगों, है ना, मतलब किसी के भी ऊपर बिल फेंक कर चले जाओ, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो क्या करेंगे? हाँ एंड सॉरी मैडम, जंगुक सर, डोंट वरी टे, प्लीज क्लाम डाउन। ओके तुम जाओ, मैं बिल पे कर दूंगा। हाँ टे, हमारी बेबी के लिए? जी जैसी आपकी मर्जी। आफ्टर मिनट के बाद जंगकुक टे को एक ऐसी जगह पर लाता है जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी था। समझ नहीं रहा कि आपने मुझे इतने बड़े समंदर के पास क्यों लाया। टे कब तक उस छोटे से टब में तुम रहोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम एक मारमेड हो ना, इस पूरे समंदर में तुम रहो। और हाँ प्लीज, मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ अब। प्लीज टे, डोंट वरी, अब फिर जब हो जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओके ओके चलिए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वाह, टे एक मारमेड थी इसलिए वो समंदर में आराम से तैर लेती है, पर जंगकुक के लिए समंदर काफी ज्यादा बड़ा था जिस वजह से जंगकुक पानी में डूबने लगता है। अब बचाओ टे, टे बचाओ। जंगकुक सर, आप ठीक हो ना? एक मिनट में अभी आई। टे आप ठीक हो ना? आपको कुछ नहीं हुआ? आप प्लीज सांस लेने की कोशिश कीजिए, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बहुत बड़ा मेरे लिए समंदर नया था ये सच में। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आपको पानी से इतनी एनर्जी। डोंट वरी, मैं आपका ख्याल हमेशा रखूंगी। आप मुझे कभी छोड़कर अकेला चले तो नहीं जाऊंगे ना? क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि इतना आगे बढ़कर मैं आपसे कहीं दूर ना हो जाऊं। क्या एक मारमेड सच में एक इंसान से प्यार कर सकता है? अगर जंगकुक एक मारमेड के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? मतलब वो तो एक मछली है ना, और जंगकुक मतलब कुछ समझ नहीं रहा। पर जो भी हो, जंगकुक मेरा है और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। फिर चाहे मुझे उसके लिए उस टे को अपनी रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े। इस वक्त मेरे घर पे कौन हो सकता है? जाकर देखती हूँ। तुम मेरे घर पे? क्या एक मिनट, क्या तुम कल रात के पैसे लेने के लिए आए हो? उफ यारे लड़की ना, जब भी मिलो पैसा पैसा करते हैं। मैं पैसे नहीं, मेरा बैग भूल गया था, वो लेने के लिए आया हूँ। ओके ओके आ जाओ। कहाँ पर रखा मेरा बैग? आराम से रखा है, बेचारा बैठ रहा है, सोचा था कि उसे नाश्ता पानी दे दूं, पर उसी वक्त तुम आ गए। ओके आ जाओ बैठ जाओ, तुम कितना बोलते हो सच में। और वो क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा पर्स मिल चुका है ना? हाँ मिल चुका है। तो क्या तुम सच में यहाँ पर नाश्ता पानी करके जाओगे? नहीं नहीं, वो दरअसल मुझे वॉशरूम आगे से लेफ्ट होकर राइट मुड़ जाना, वहीं पर है वॉशरूम। थैंक यू। मारमेड को भी वॉशरूम की जरूरत है? कितना हंसोगी तुम। हाँ चलो मेरे साथ चलो वॉशरूम में। नहीं 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 नहीं, ठीक है जाओ जाओ। जब से ये बात पता चली कि जंगकुक ने शादी करके खुद सेट हो गया, तो अब तो मेरे पास बहुत ज्यादा मतलब मौका है कि जिमिन को पटा लूं। दौड़ जा यंजुन, ये पर्स लेकर भागूंगा मैं और यहाँ पर घुसाऊंगा जिमिना को। वैसे जिमिन दिख नहीं रही, यहाँ पर रास्ते में थोड़ी कितना घूमेंगी वो। क्या सही बात है, जंगकुक तो मेरे रास्ते से हट चुका है, अब मेरी और जिमिन के बीच में इन फुल गस्तों मतलब गुलदस्तों के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। भाग जा, कोई देख तो नहीं रहा ना। ओके ओके ये पकड़ भाई, अभी पकड़ 5 मिनट। तो मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, ये मेरे लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो जिमिना के लिए। एक मिनट, मेरा गुलदस्ता देते मत भूलना। हाँ जरूर, मैं अभी आया।
भाई साहब का गुलदस्ता तो सच में काफी ज्यादा प्रीटी है। भैया आपने भाई साहब को देखा क्या? ओ मिल गए गुलदस्ता। छोड़ो ये क्या लेकर घूम रहे। ओ भाई साहब आपका आपका गुलदस्ता ये लीजिए। हाँ शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओहो अब इस वक्त कौन है? यहाँ मेरे घर में भंडारा मिल रहा है क्या? जो देखो मेरे घर की डोरबेल बजा रहा है। कौन है? आपने बुलाया और मैं हाजिर हूँ। ओह सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखी ना पूरा दिन बुआ जाएगा। वैसे तुम यहाँ पर आए क्यों? ओह मैडम मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है गुलदस्ता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मेरे प्यार को मना मत करना। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? प्लीज देखो जमीन जंकुक तो है नहीं क्योंकि उसने भी शादी कर ली। अब मेरा मतलब मैं तुम्हारे लिए बचा हूँ। प्लीज मैं तुम्हें चुमा देकर तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। जमीन टावल का है? ये कौन है? जमीन टावल ढूंढ रहा था। ये कौन है जमीन? ये अनजान लड़का तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? मैं जमीन का जमीन कौन हूँ मैं तुम्हारा? वो दरअसल क्या है जिमिन, तुमने नया बॉयफ्रेंड पटा लिया। एक बार ब्रेकअप तो होने देना था। चुप हो जाओ और तुम एक गुलदस्ता लेकर एक मिनट यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे बताओगे? ओए तू निकल यहाँ से, निकल जा। और एक गुलदस्ता ना जिमिन मैं नहीं निकलूंगा, मेरे प्यार का इजहार मैं करके रहूंगा। चीटिंग करता है तू। क्या है अंजुन? प्लीज ये मैंने तुम्हारे लिए लाया, प्लीज आई लव यू। सच्ची में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। ओके मैं जा रहा हूँ। ये कौन है बताओ पहले? मैं एक मिनट तुम ऐसे नहीं रुको, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, तुम यहाँ पर खड़े रहो। ओके बताओ जल्दी कौन है ये, मुझे जल्दी जवाब दो। हाँ ये तो ऐसे बिहेवियर कर रहा है जैसे मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अभी बता रही हूँ। एक्सक्यूज मी जिमिन। हाँ बोलो तुम। जिमिन पहले तो तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? क्या प्यार? सभी के सभी भाड़ में जाओ। देखो मेरा सर मत खाओ क्योंकि मेरे पास अभी हीरोइन भी नहीं और हीरो भी नहीं। सर काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे। जीन क्या करे तू? अब लग रहा है कि शायद तेरा ये भी जॉब चला जाएगा हाथ से, क्योंकि जिमिन मैडम भी शूट में आना बंद कर दिया उन्होंने। किस पर मेकअप थोपेंगे तू? इस सड़ेल सर पर? नहीं क्या जरूरत हम? आप वो सर एक्चुअली कह रहा था कि क्या जंकुक सर भी नहीं आए? नहीं आया है वो। जब से उसकी शादी हो गई ना उसने शूट पर आना बंद ही कर दिया। और जिमिन भी पता नहीं क्या हो गया उसे, वो भी नहीं आ रही है। मेरा टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। जिन जाओ यहाँ से। ओके सर। क्या हो गया आर्यन? तुम सच में काफी ज्यादा टेंशन लग रहे हो। देखो भाई मेरा सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, मुझे परेशान करना बंद कर दो ओके, और अपना काम करो। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद हीरो बनकर खुद की शूटिंग स्टार्ट कर दूं। मैं जंकुक और जिमिन को कुछ कह भी नहीं सकता, अगर मैं उन्हें कहने जाऊंगा तो मुझे मुझ पर हमला बोल देंगे। ए भाई तो शूटिंग बंद कर दे। ओके सर ऐसा नहीं हो सकता, सर को पटाना पड़ेगा और इसलिए मुझे सर के पास जाना होगा। सर क्या हो गया जिन, तुम अभी तक गई नहीं? सर क्या मैं अंदर आऊं? अंदर आ चुकी हो, अब क्या मेरी गोदी में बैठूंगी तुम? सर आप ना जब से जंकुक सर और जिमिन मैडम गई ना आपका दिमाग सटिया गया। मैं तो कह रही हूँ कि अच्छा एक नया हीरो देख लीजिए। नया हीरो? तुम्हें बताएं अगर मैं बिच से लूंगा ना तो वो तो मेरे से कंकाल करके छोड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसे लेगा। अब मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। सर मेरा भाई, आपको बताएं मेरा भाई हीरो से कम नहीं दिखता, अब उसे एक चांस दीजिए ना। तुम्हारा भाई सच में तुम्हारी शक्ल के ऊपर गया होगा। हाँ वही तो, वर्ल्ड वाइड हैंडसम टाइप। एक्सक्यूज मी वैसे तुम्हारा भाई कौन है? एनजी हो सर, आप एक बार चांस दीजिए। मेरा भाई इतना हैंडसम है कि सारी दुनिया को पटा देगा, मतलब दीवाना कर देगा। प्लीज एक बार सर एक बार फोटो तो देख लीजिए। फोटो दिखाओ। सर कैसी फोटो है? काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। देखेंगे इस बारे में, पर ये सोचो जीन कि हमें हीरोइन भी चाहिए। अब मैं तो हीरोइन बनकर वहाँ पर डांस नहीं करूँगा ना। एक मिनट, अगर आप हीरोइन बन गए तो कैसे दिखोगे? जिन मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दो। हमें हीरोइन ढूंढना होगा। ऑफ कोर्स सर, हम हीरोइन जरूर ढूंढेंगे, डोंट वरी। ओके सारा जिंदगी जन बन गया है। उतनी दूर से आई मैं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए, पर पता चला कि हीरो हीरोइन तो
पता नहीं गायब हो गए और डायरेक्टर ने मुझे भगा दिया। ऐसे तो ठीक ना होता है। ओ भाई साहब जरा ये एड्रेस बताना। एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम नॉट योर भाई साहब। एंड सेकंड बात है कि आप मुझे ये एड्रेस पूछकर अपना टाइम वेस्ट करें। क्यों क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना? क्योंकि ये एड्रेस मुझे भी नहीं पता। आपको देखकर लग रहा है कि आप क्या बचपन से ऐसे हो या फिर अभी अभी? मतलब दिमाग से पैदल एक लड़की आपको इस दुनिया में इस शहर में अकेली मिली है, वो भी एड्रेस पूछ रही, उसके साथ ऐसी मजाक गिरी करे? ओ बहन जी, मजाक तो मेरी लाइफ में मुझसे किया। चलो जाने दो मुझे।